पिछली दो कड़ी में हमने आपको राजस्थान के सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायकों के बारे में रूबरू करवाया था। आज हम आपको राजस्थान के उन विधायकों के बारे में बताएंगे जिनके खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक केस दर्ज है। बता दें 28 विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर किस्म के आपराधिक केस दर्ज है, यानी 14% विधायकों के खिलाफ गंभीर किस्म के केस दर्ज है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के 18 यानी 17% विधायकों के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि बीजेपी के 6 यानी 9% विधायकों पर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले दर्ज है। और इन्हीं विधायकों के अलावा 43% निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिन पर गंभीर केस चल रहे हैं। 1 विधायक ने हत्या और 4 विधायकों ने हत्या के प्रयास के केस के बारे में जानकारी भी दे रखी है। गंभीर किस्म के अपराधों में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे मामले शामिल है। तो वही 39 विधायकों ने अपनी देनदारी 1 करोड़ से अधिक घोषित की है। सबसे ज्यादा 34 करोड़ की देनदारी मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल शर्मा पर है। आदर्श नगर से विधायक रफीक खान 33 करोड़ की देनदारी के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। वही तीसरे नंबर पर हिंडौली से विधायक अशोक चांदना है जिन पर 21 करोड़ रुपए की देनदारी है। बता दें प्रदेश के 80 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र 25 से 50 साल के बीच बताई है, जबकि 119 यानी 60% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्र 51 से 85 साल के बीच बताई है। वही अगर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2013 के विधानसभा चुनाव में चुने गए विधायकों में से 143 विधायकों ने 2018 में चुनाव लड़ा था। इनमें से 137 विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। 6 विधायकों के शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने से उनका विश्लेषण नहीं हो पाया था। बता दें 2013 में 137 विधायक ऐसे थे जिनकी औसत संपत्ति 7.24 करोड़ रुपए थी, जो 2018 में बढ़कर 9.93 करोड़ रुपए हो गई। यानी 5 साल में विधायकों की औसत संपत्ति 2.59 करोड़ रुपए बढ़ी, यानी संपत्ति में 37% की बढ़ोतरी हुई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।